हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से रेयर फाइल आसानी से ओपन कर सकते हैं और कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए बगैर, यूज़ किए बगैर आप किस तरह से रेयर फाइल जो होती है वो ओपन कर सकते हैं आसानी से। ये देखिए, ये डेस्कटॉप पर मैंने ये फाइल है रखी है, ये रेयर फाइल है। तो ये अब फिलहाल तो ओपन नहीं हो रही है। इसके अंदर एक ये सॉफ्टवेयर है जो कि हमें इंस्टॉल करना है, और ये फाइल रेयर फाइल है इसलिए ये दिख रही नहीं है, ओपन नहीं हो रही। तो इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे हम। तो आपको इसके लिए जाना है गूगल पे, गूगल पे सर्च करना है आपको। गूगल पे आपको सर्च करना है b1.org, b1.org। इस पर हमें, इस साइट पर हमें विजिट करना है। ये देखिए b1.org, और यहाँ पे देखिए ऑनलाइन अर्चीवर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर हमें क्लिक करना है। और जो वो डेस्कटॉप पर फाइल थी वो अब हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। क्लिक हियर टू सिलेक्ट एंड अर्चीव फ्रॉम योर कंप्यूटर। तो हम यहाँ पे इस बटन पे सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, और जो हमारे डेस्कटॉप पे फाइल थी रेयर फाइल, ये देखिए, इसे हमें यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे फाइल अपलोड हो रही है। ये देखिए, आसानी से यहाँ पे फाइल अपलोड हो गई है और एक्सट्रैक्ट भी हो गई है। ये देखिए, रेलटेक कार्ड रीडर जो हमारी ये फाइल थी रेयर फाइल, इस पर मैं अब यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो ये देखिए, ये सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। तो ये देखिए, अपना ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरह से आप कोई भी रेयर फाइल ओपन कर सकते हैं आसानी से, विदाउट डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर के। किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किए बगैर आप रेयर फाइल, या बल्कि जिप फाइल भी आप यहाँ पे अनजिप कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट कोई भी फाइल आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ पर b1.org पर जाके। तो ये सबसे आसान तरीका है, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए बगैर आप फाइल्स को, जो फाइल ओपन नहीं होती है, समझ लीजिए जिप फाइल है, रेयर फाइल है, और कोई और फाइल एक्सटेंशन होगा, तो आप यहाँ पर आकर अपलोड करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आपकी फाइल ऑनलाइन, विदाउट डाउनलोडिंग किए बगैर सॉफ्टवेयर कोई भी। ये था सबसे आसान तरीका। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।